गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो हेयर यू कैन सी आवर पोएम रन। सो टुडे वी विल डू सम न्यू वर्ड्स एंड रीडिंग इज फन। टू क्वेश्चन रिलेटेड दिस पोएम। ओके सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट न्यू वर्ड इज रेन ड्रॉप्स, सेकेंड नीथ, थर्ड ब्रीज, फोर्थ हिल साइड, फिफ्थ मिडो एंड सिक्स्थ मैरी। ओके दीज आर आवर न्यू वर्ड्स एंड डेट आफ्टर सम क्वेश्चन आंसर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोयम टेल अस टू डू। तो इसकी हिंदी क्या हुई, व्हाट डज द पोयम टेल अस टू डू। जो पोएट है, जो हमारी पोयम है, वो हमें क्या करने को कह रही है। तो हमारी पोयम हमें क्या करने को कह रही है, द पोएट टेल अस टू डू रनिंग। तो इस पोयम के माध्यम से जो पोएट है, जो कवि है, वो हमें रनिंग करने के लिए कह रहा है। ओके सेकेंड क्वेश्चन, राइट अबाउट द प्लेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन। उन जगहों के नाम लिखिए जहाँ पर जो पोएट है वो दौड़ना चाहता है। ठीक है ओके, राइट अबाउट द प्लेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन। सो आंसर क्या होगा, द पोएट वांट अस टू रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मिडो एंड रन टू द कंट्री। कहाँ कहाँ पर दौड़ना चाहता है बेटा जो कवि है, वो कहाँ कहाँ दौड़ना चाहता है, वो हिल साइड की तरफ, पहाड़ियों की तरफ दौड़ना चाहता है, गांव की छोटी छोटी गलियों के बीच में से होते हुए दौड़ना चाहता है। ठीक है, घास के मैदानों की तरफ और गाँव की तरफ दूर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि है, पोएट है, वो दौड़ना चाहता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये काम आप लोगों की इंग्लिश नोटबुक में करना है। ओके ओ स्टूडेंट हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश नोटबुक। थैंक यू।